हैं कि आजकल लोग हाथों में पैरों में काला धागा पहनते हैं, क्या ये ठीक है? एंड अगर ठीक है तो कितना फ्रूटफुल है? शायद यही कहने का मतलब है। तो पहली बात तो ये है, काला धागा अपने आप में काले रंग में किसी भी रंग किसी भी ऊर्जा को सोखने की ताकत होती है, मीन्स खींचने की ताकत होती है या डिस्ट्रॉयड करने की ताकत होती है, हमेशा समझिए। हाथ में काला धागा और कान में गले में काला धागा फ्रूटफुल होता है, पर आज वास्तव में एक ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें लोग अपने पैरों में काला धागा बांधते हैं। और सच बताऊं ये बहुत मूर्खतापूर्ण दर्शन है, बहुत मूर्खतापूर्ण। कारण जो काला रंग है, पहली बात तो काला रंग एक ऐसा रंग है जो जिसको कोशिश करो ना पहने तो अच्छा है। ये आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो आपके शरीर की ऊष्मा होती है, उसको डेवलप नहीं होने देता। आप देखना, आप कभी काला वस्त्र पहनेंगे तो आपको थोड़ा सा अनइजी, थोड़ा सा सुस्ती आ जाएगी। ये आपकी ऊर्जा को खींच लेता है। और शुरुआती दौर में देखना, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब आलस सा आ रहा है, सुस्ती सी आ रही है, ये काले रंग का दर्शन है। लेकिन वही काला धागा अगर आपकी कलाई पर बंधा है, ये जो कलाई वाला हिस्सा होता है ऊपर का 2 इंच का हिस्सा, ये पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन काला धागा जब इस जगह पर बंधा होता है तो ये आपके लिए कई सारी चीज़ों से, नेगेटिव ऊर्जा से आपको बचाता है, एक दर्शन। लेकिन यही काला धागा जब आप पैर में पहन लेते हैं तो आपका शनि विरोध में चला जाता है। जो भी लोग अपने पैर में काला धागा अभी भी पहने और मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप तत्काल प्रभाव से उसे हटा दें। ये आपको नुकसान करेगा, आपके शनि और आपके राहु को ये गड़बड़ कर देगा, आप में चिड़चिड़ाहट रहेगी, आपके काम नहीं बनेंगे, आपको नींद की प्रॉब्लम आएगी और आपके दुश्मन पैदा होंगे। आप इस चीज़ को नोटिस करके देख लीजिएगा। मैंने कह दिया, महसूस आप करेंगे, पता आप लगाएंगे, घटना आपके साथ घटनी है, मेरे साथ नहीं, मैंने नहीं पहन रखा है। तो मेरा निवेदन है, पैरों में काला धागा कभी ना पहने, अगर पहने तो तुरंत उतार दें, और हाथ में या गले में पहने तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा, वो आपको फायदा करेगा, वो आपकी एनर्जी बैलेंसिंग का काम करेगा। धन्यवाद। सूरी आरती, आपने अच्छा प्रश्न किया।